मैं हूँ आपके साथ तन्वी सूद। अपनी खूबसूरती, अपनी बोल्डनेस से सभी के दिलों पर राज करने वाली जीना जमान अपने टाइम की सबसे मशहूर एक्ट्रेस थी। हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेने की इच्छा जताता था। वहीं जाने माने डायरेक्टर फिरोज खान अपनी फिल्म धर्मात्मा के लिए जीनत को साइन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हेमा के साथ जीनत सेकंड लीड में नजर आए, लेकिन जीनत ने ये फिल्म करने से साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन लगता है ये बात फिरोज जी को कुछ हजम नहीं हुई। तभी तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दरअसल इस बात से फिरोज अपसेट तो हुए ही थे, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहे और जीनत के बदले उन्होंने रेखा को साइन कर लिया था और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं फिरोज इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें जीनत ने मना कर दिया था। बस फिर क्या, एक रात फिरोज नशे की हालत में थे, उन्होंने अपना फोन उठाया और गुस्से में आकर काफी गाली गलौज कर डाली थी। अब भाई जीनत को फिरोज ने गाली तो दे डाली थी, लेकिन उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म की स्क्रिप्ट के मुताबिक एक बार फिर जीनत की जरूरत पड़ गई थी। जी हाँ, फिरोज फिल्म कुर्बानी में जीनत को साइन करना चाहते थे। अब भाई वो पड़ गए काफी मुश्किल में, आखिर क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने और जीनत के कॉमन फ्रेंड विनोद खन्ना से बात की और फिर उनके जरिए दोनों मिले। फिरोज ने जीनत को बहुत मनाया, तब जाकर उन्होंने फिल्म कुर्बानी में काम करने के लिए हाँ किया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित भी हो गई थी। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।